करना अपनी पतंग से ज्यादा दुश्मन की पतंग पे रहती है। बाय गॉड मजा आ गया। रोहन ने मुंह पर तुम्हारी बेइज्जती की भाई, जो हम ना कर पाए वो रोहन कर गया यार। बहुत बढ़िया। तू क्या हंस रहा है यार? मुद्दे उद्दे से मत भटको। उस आफ्ताब को तुमने चोर बना दिया, मुझे खानसामा बना रहे हो। ये खानसामा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुकिंग बहुत इज्जत वाला काम होता है। एक गलती की वजह से नरगिस और आफ्ताब की सगाई टूट गई। सब प्यार है दोनों में, इसे टूटने नहीं देंगे। वैसे भी लाइफ में अंडरस्टैंड करने वाले पार्टनर्स ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। क्या लगता है रोहन, कोई आएगा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने? मुश्किल है। लड़कियां इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि वो नहीं चाहेंगी लड़कों के हाथों से उनकी हड्डी टूट जाए। लड़के इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो नहीं चाहेंगे गलती से भी कोई लड़की की हड्डी उनके हाथों से टूट जाए। अरे वाह, हो गया ये? यस मैम, नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दिया। वेरी गुड। ये हैंडराइटिंग किसकी है, किसने लिखी है? रोहन की मैम। ओह, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है तुम्हारी। आजकल ऐसी हैंडराइटिंग होती कहाँ है किसी की। थैंक यू। मैंने अपनी हैंडराइटिंग में नोटिस नहीं, लड़कियों की शामत लिखी। लड़कों से भिड़ेंगी तो मुंह की खाएंगी। जितनी बार तूने मैथ्स में मुझसे ज्यादा स्कोर किया है ना, सबका बदला आज लूंगा, देख लेना। कर ले कर ले कर ले ट्राई, क्या पता मैथ्स वाला ही अंजाम हो अभी। डायलॉग से अगर लड़कियां जीत जाती ना तो तू किटी नहीं सिकंदर होती। और वैसे भी जीतने के लिए ताकत चाहिए, स्टैमिना चाहिए, जो कि हम सब लड़कों में है, तुम लड़कियों में नहीं। क्यों बॉयज? ताकत से ज्यादा भी एक चीज होती है, हौसला, जो हम लड़कियों के पास ना आप लड़कों से ज्यादा है। तारा क्या कहा तुमने अभी? माम वो बोलो ना कि हम लड़कियों में लड़कों से ज्यादा हौसला है। फिर तो तुम लड़कियां भी नहीं जीत पाओगी। सिर्फ हौसले और ताकत से बात नहीं बनने वाली है। सेल्फ डिफेंस में हौसले और ताकत से सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि दिमाग। अगर सामने वाले के दिमाग को आप लोगों ने भांप लिया तो आधी लड़ाई आप लोगों ने जीत ली। आज के सेल्फ डिफेंस क्लास में टेक्निक्स के साथ साथ हम लोग ये भी टेस्ट करेंगे कि किसके दिमाग में सबसे ज्यादा ताकत है। ओके सो रेडी, हम लोग पहला राउंड शुरू करते हैं। और पहले राउंड में आ रही है हमारे पास किटी, यहाँ सामने आओ। नकुल, कम ऑन। ओह वेरी नाइस, आ जाओ। सेकंड है तारा, मिलिंद, कम ऑन। ऐसे नहीं खेलना है, प्रॉपर करो, कम ऑन, शेक हैंड्स, वेरी गुड, वेरी नाइस। ममता एंड दर्शन, अरे ये कैसे कर रहे हो तुम? इधर आओ, उठो उठो, तुम्हारा फॉर्म ही गलत है। शेक हैंड्स किया? ओके, अब हम लोग सेकेंड राउंड खेलेंगे। किटी और नितेश, नितेश थोड़ा होश से काम लेना वरना ये नकुल जैसा पिट जाएगा। नितेश सामने लड़की है, थोड़ा आराम से। डोंट वरी, लड़की समझ के ही लड़ूंगा। बस लड़की समझ के मत लड़ियो। yeah!
चीटिंग मत करो. Come on, do it again. Come on, Nitesh, come on. Come on, Kitty, very good. नितेश, मुकाबले में ईमानदारी होनी चाहिए हमेशा. रॉन्ग मूव्स अलाउड नहीं है, ये बात आप सब लोग ध्यान में रखिएगा. सॉरी नितेश, लेकिन क्या है ना, तूने मेरे अंदर के फाइटर को देखने के बजाय एक लड़की को देखा. फाइट में कभी लड़का लड़की नहीं देखते, ताकत देखते हैं, चाहे वो शरीर की हो या दिमाग की. वेरी गुड. अब सब आप लोग अपने अपने क्लास में जाइए. ओके यार, बहुत जोर से मारा उसने मुझे. बेटा किट्टी से हारा है तू, और एक कलंक ना सात जन्मों तक नहीं धुलेगा. किस काम की ही डुले, लड़की से निपट गया उले उले. यार अब डिफेंस क्लास थी, किसी एक को तो हारना ही था. अब इसमें दिल पे लेने वाली बात क्या है भाई? क्या किट्टी किट्टी लगा रखा है तुम लोगों ने, है क्या हो गया? इधर क्या, किट्टी ने बहुत पिटाया डिफेंस क्लास में. अच्छा, इसे भी? भाई यहाँ तो मामला रफ तफ है. अरे यार, किट्टी से पंगा लिया तुमने, अब उससे बचना तो इम्पॉसिबल है ना. चल, बहुत बढ़िया, दिखा दिया ना उनको. बड़े यार बहुत बोल रहे थे. चलो मिलते हैं क्लास में. बाय बाय बाय. भाई क्या कर दिया तूने उस नीतीश के साथ, हैं? उसकी हड्डी पसली तोड़ दी. जो भी उसे मिल रहा है यार, हंसी मजाक उड़ा रहा है उसकी. जो किया ना एकदम करेक्ट किया. अब गलत दाव खेलेगा तो पटक नहीं तो खाएगा ही. अरे यार ठीक है ना, अब जो भी है. अब सेल्फ डिफेंस की क्लास ही तो थी, वो थोड़ी था वो क्या बोलते हैं यार उसे, विश्व युद्ध थी तो सेल्फ डिफेंस. लेकिन जब उसने कहा ना कि लड़की समझ के खेलूंगा, तब मामला सीरियस हो गया. अरे हर बात में लड़ना लड़ना क्या है, लड़ाकू विमान. क्या कहा? लड़ाकू विमान. मैं लड़ाकू विमान हूँ. किट्टी, वो लड़की को हरा दिया इसलिए लड़ाकू विमान बन गई ना मैं. किट्टी मजाक कर रहा था. तेरी मजाक की तो ऐसी की तैसी. अरे वो किट्टी पिट्टी, अब ज्यादा हो रहा समझ गई ना. ज्यादा करेगा तो ज्यादा ही बोलूंगी ना मैं. हर बात में ये क्यों जाहिर करना चाहती है लड़कियां बेस्ट होती है. बुरा लग रहा है ना तुझे? हाँ बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि तू भी तो लड़का है ना. तुम लोगों की बनाई लाइन जो क्रॉस कर दी मैंने, बहुत बड़ा पाप कर दिया ना. किट्टी क्या कह रही हैं आप? तू ज्यादा साइड मत ले इसकी, समझी? जो भी गलत समझेगा ना उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा मुझे. अब दुनिया क्या सोच रही है ये भी तू सोचेगी तो दुनिया क्या सोचेगी? और सब दुनिया को तू ही जवाब देने के लिए बनी है क्या? दूंगी सबको जवाब, और टाइम आएगा ना तो तुझे भी जवाब दूंगी मैं. पर किट्टी हजरत सिर्फ आपको समझा रहे हैं. समझा रहा है ये क्या समझाएगा मुझे? आज तक अभी स्कूल नहीं गया और ये समझाएगा. पता है तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों को लगता है लड़कियों को जो बोल दो वो सुन के लेगी, क्योंकि लड़कियों के पास तो दिमाग ही नहीं है ना. सुन, देश आजाद है ना, तो कुछ भी मत बोल. तारा, कब कहा था मैंने ऐसे? कहा नहीं, लेकिन आगे कहेगा ना. आइंदा से ना मुझे अपनी शक्ल में दिखाना, समझे? नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तारा, देख लूंगी तुझे. पर तू क्या देखेगी मुझे? अरे तू निकल. अरे जाना, छोड़ो. हम सब टीम है ना, आधा फुल. काय का आधा फुल? कुछ आधा फुल नहीं है. निकल, चल आधा फुल. अदरक, अदरक आप उनसे बात करिए ना. अदरक, ऐसे कैसे बात कर सकता है वो मुझसे? समझता क्या है वो अपने आप को? किटी, कांग्रेट्स, अच्छा खेली तो. कांग्रेट्स, मैं तो लड़की हूं ना और तू लड़का, तो मुझे क्यों कांग्रेट्स? तो लड़कियां तो क्या हो, लड़की रहेगी.
लेकिन ये मत समझना कि एक फाइट जीतने के बाद उस लड़कों के बराबर हो गई है, समझी? अच्छा तो तू भी आना, तुझे भी पटक देती हूँ अभी, आ, तभी पता चलेगा ना कि मैं तुझसे बेटर हूँ, आना, आ। अरे किटी छोड़ना, तू जाना, मैं समझाता हूँ रोहन को। बड़ा आया, अब घमंड आ गया लड़की के अंदर, फूटेगा जरूर एक दिन। समझता क्या यार लड़का बच्चा अपने आप को, लड़कों से बेटर है ना, तो प्रूव करो, अकेले मिलो कल स्कूल के पीछे वाले जंगल में स्कूल के बाद, नहीं तो हार मान लो, लड़की हो ना, हार भी गई तो कोई कुछ नहीं कहेगा। किट्टी, कब से भाभी तुम्हें खाने पे बुला रही है, आ क्यों नहीं रही? चाची भूख नहीं है मुझे। क्या हुआ? अदरक से लड़ाई हुई है इसलिए मूड खराब है ना? आपको कैसे पता? मुझे नहीं, पूरे बदलीपुर को पता है। आज का दिन ही खराब है। ये सब क्या है? किसने किया? कौन है ये? क्या तुमने रोशनी मैम को बताया? ठीक है, डोंट वरी, मैं कल स्कूल जाता हूँ। चाचू एक बात पूछूं? हाँ पूछो, लेकिन साथ साथ खाना भी खाओ, चलो। चाचू मैं ओवररिएक्ट करती हूँ क्या, प्रूफ करने के लिए? क्या प्रूफ करने के लिए? कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं। वैसे किताबें फाड़ना एक पर्सनल अटैक है, और जिसने भी किया है ना, ठीक नहीं किया, और ऊपर से चैलेंज, क्या हो आके प्रूफ करो। लेकिन मैं लोगों की बातों में ना बहुत इजीली आ जाती हूँ, कोई भी कुछ भी कह दे तो मैं बहुत ओवर रिएक्ट करती हूँ। किट्टी तुम एक सेंसिबल लड़की हो, तुम्हारे पास अपना दिमाग है, देखो तुमने कितनी बार अपनी फैमिली को मुश्किलों से निकाला है, बदलीपुर के कितने लोगों की जिंदगियां बदली हैं तुमने, और इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत है? पर चाचू कोई कुछ कह देता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। किट्टी तुम क्यों सुनती हो, क्यों बॉदर करती हो कि कौन क्या कहता है, क्यों सुनती हो तुम लोगों की? अपने ऊपर इतना प्रेशर मत लो कि लोग क्या कहते हैं, तुम जानती हो ना तुम क्या हो, तो अवॉइड करो ये सब, खुद के साथ खुश रहना सीखो, अगर तुम अपने साथ कंफर्टेबल हो ना तो सब ठीक है, और जिस किसी ने भी किया है उसके खिलाफ स्कूल अथॉरिटी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, मैं बात करूंगा, ठीक है? और तुम अदरक के साथ अपना झगड़ा ठीक करो, समझे? ऐसे मुंह बना के बैठना था तो हमें क्यों बुलाया, और अदरक भी नहीं दिख रहा है कहीं। अच्छा हुआ नहीं आया वो, उसे बुलाना भी मत, वो बेचारा पूरी रात सोया नहीं है। हाँ तो तू जाके लोरी सुना देता उसे। किट्टी इतना क्या गुस्सा कर रही है आप, अब ये बात नहीं करेंगे ना हमसे, तो आप एक बार बात तो करिए, नीचे आओ ना, कहीं जाना है। यार करिश्मा अगर आप आते तो बिल्कुल आते, आज एक लड़ाई सुलझानी हमें। देखो मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, तुम भाव खाते होगे पर मुझसे ज्यादा नहीं, जल्दी आओ। तो फिर कोई बात नहीं, मत पूछना। सीरियसली स्टूपिड। बाजू 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 बाजू। अदरक। ओ। अदरक। अरे यार बहुत काम है यार। तारा आपकी लड़ाई हमसे तो नहीं हुई है ना?
देख यार, अदरक की लड़ाई किसी से नहीं है, और जो तेरे साथ में बैठी है समझा दे कि लोगों की ज्यादा बात सुनने की जरूरत नहीं है। तारा, इस ज्ञानी से कह दे कि अपना ज्ञान अपने पास रखे, हमारे पास भी बहुत है लेकिन हम बांटते नहीं फिरते। अदरक सुनिए तो। तारा तू ये देख, किसी ने मेरे बैग में ये छोड़ दिया। किसने? पता नहीं, किसी ने मेरी सारी बुक्स भी फाड़ दी। कौन हो सकता है? ये पक्का ना नितेश है। और ये नितेश क्यों? क्योंकि उसे हरा दिया था ना मैंने। किटी वो तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस क्लासेस थी ना, कोई दुश्मनी थोड़ी थी। दुश्मनी थी नहीं तो अब है ना, एक लड़की होके एक लड़की को हरा दिया ना तो दिल पे ले ली उसने बात। अरे तुमने पता नहीं कितने लड़कों की रेल बनाई है, तुमने कितनों को हराया है, पर स्पेसिफिकली नितेश ही क्यों? भाई ये तो बहुत नाइंसाफी है। ये पता करने के लिए ना मेरे पास एक और तरीका है। एक मिनट किटी, जहाँ इन्होंने बुलाया वहाँ जाने की तो नहीं सोच रही है ना? ओ नहीं नहीं, ओ किटी। इसने चैलेंज किया है मुझे, साबित तो मैं करके ही दिखाऊंगी इसे। किटी आप अकेले कहीं नहीं जा रही हैं। मुझे मत बताओ। कहीं नहीं जाना, कुछ साबित नहीं करना, दिमाग खराब है क्या तेरा? ओ बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं तुम्हें। अब तो मैं पक्का जाऊंगी, तुम लड़कों को साबित करके दिखा दूंगी, मैं देख लेना। ओ किटी, क्या अदरक से लड़ाई? ठीक ही हुआ, जब देखो उसके साथ बाहर घूमती रहती है हमेशा। अरे लेकिन बच्चे इस तरह से लड़ते हुए अच्छे लगते हैं क्या? खाना तक नहीं खाया उसने, अब पता नहीं कब खाएगी। दोनों के दोनों में ना वो बच्चों वाला दिमाग है, पर आई एम श्योर गलती पक्का किट्टी की होगी। ऐसी कैसी गलती किट्टी की होगी? तो फिर अदरक की होगी। भाई इसमें अदरक की क्या गलती है? तो फिर तुम डिसाइड कर लो, तुम हो किसके साइड में? हम दोनों के साइड है, दोनों को गुस्सा आ गया, और हम तो दोनों के फ्रेंड्स हैं ना, हमें खुद समझ नहीं आ रहा हम किसके साइड हैं। तो फिर ऐसा करो, एक दिन रुक जाओ, दोनों वापस नॉर्मल हो जाएंगे, बात करना शुरू कर देंगे। भाई ऐसे कैसे वो लोग बात करना शुरू कर देंगे? बताइए तो, बता के तो जाइए हमें। दाल तड़का। ओके। वैसे आपने सुना किट्टी और अदरक में झगड़ा हुआ? हाँ, अरे दोस्त हैं, दोस्तों में तो तकरार होती रहती है। बात तो सही है, हम भी तो कितनी बार लड़े, याद है आपको? अरे मैं कभी नहीं लड़ी हूँ, आपने लड़ाई की है। देखिए अभी इल्जाम हो गया मुझ पे। जो बात सच है वो इल्जाम कैसे हो गया? कितनी अकड़ू हैं आप, हर बात पे अकड़ती है हमेशा। क्यों भाई, अकड़ना क्या सिर्फ लड़कों का जिम्मा होता है? ये वाली बात आपको डिफेंस क्लास में लड़कों को सिखानी चाहिए। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि डिफेंस क्लास में जब किट्टी इन लड़कों को हराए तो इन लड़कों को ये बात दिल पे नहीं लेनी चाहिए। दिल पर क्यों लेंगे? मेरे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हैं, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेते हैं, और उन्हें पता है लड़का लड़की दोनों बराबर, LLDB। ठीक है सारे लड़के ऐसे नहीं है, लेकिन कोई एक तो ऐसा हो सकता है ना। आप कहना क्या चाहते हैं? कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि किट्टी के बैग में किसी ने एक नोट रखा था। कौन है? जिसने भी किया ना ठीक नहीं किया, और ऊपर से चैलेंज है, क्या आके प्रूफ करो। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? नॉर्मल फन क्लास थी जिसमें मैं सेल्फ डिफेंस सिखा रही थी, अलग ही एंगल दे दिया उसको। क्या लड़कियां बेटर परफॉर्म नहीं करें? कुछ लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना एक लिमिट में रहना चाहिए, और जब ये इन लड़कों की बनाई हुई लिमिट से बाहर निकल जाती है ना तो इन लड़कों से बर्दाश्त नहीं होता। इन लड़कों को कौन सी ऐसे हाजमे की गोली दूं जो ये बात समझ सके कि अगर आधी दुनिया लड़कों की है तो आधी दुनिया लड़कियों की भी है। क्यों लड़कियों को हर बात पर ये प्रूफ करना पड़ता है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है? और पता नहीं वो कौन है जिसने किट्टी के साथ ऐसा किया। चलिए अब नाउ यू डोंट वरी, हम उस लड़के का पता लगा देंगे और उसको समझा भी देंगे, लेकिन तड़का सिर्फ दाल में अच्छा लगता है, अपने दिमाग में ना लगाएं। चलिए खाइए। जैसे कि अभी मात साहब बोलकर गए हैं, हम लोगों ने बाकी के क्लासेस में इन्फॉर्म कर दिया है, और यहाँ मैं एक बार फिर से इन्फॉर्म कर रही हूँ कि हमारे स्कूल के किसी एक स्टूडेंट के बैग के साथ छेड़खानी हुई है, उसके नोटबुक्स को फाड़ा गया है, उसे धमकी भी दी गई है। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, जो कान खोल कर सुन लीजिए, इस तरह का बिहेवियर स्कूल में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो जो कोई भी है इस वक्त यहाँ मौजूद है।
इसलिए बेहतर होगा कि वो सामने आ जाए, क्योंकि अगर हम लोगों ने ढूंढा और हमें मिल गया तो उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। कोई बात नहीं। अब तुम जाओ, मैं आती हूँ। मुझे लगा था तू शिकायत टट्टू टाइप की नहीं है, इनके हाथ तुम्हें वैसे भी नहीं आने वाला। हिम्मत है तू जंगल आके दिखा। मुझे तारा और अदरक को बता देना चाहिए था। नहीं बता दी थी तो वो यहाँ कभी आने ही नहीं देते। मुझे चैलेंज किया ना, मैं अकेले ही करके बताऊंगी सब। बताती हूँ कि किट्टी क्या चीज है। स्कूल का ही देख, मैं तेरी जगह होता ना, स्कूल के पीछे जंगल है ना, वहां जाके उसे गाड़ देता। एक उसी बात की तो टेंशन है मैं, कि उस लड़के ने वापस से चैलेंज कर दिया जंगल आने की, तो चली जाएगी ना तवा सा मूल गरम खोपड़ी लेकर। ए कौन था? रुक तेरी, मैं बताती हूँ उसको।